नवोदय क्रांति परिवार के सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं हरिकेश कापड़ो आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे चुन्नू मुन्नुओं, आज हम लेकर के आए हैं SCERT कक्षा चौथी, पाठ है 6, पानी तेरी अजब कहानी। तो भाई चुन्नू मुन्नुओं तैयार हो सभी? ले भाई आज आप पानी के बारे में पता कराएंगे, यो किस प्रकार से अनिवार्य तत्व है अपनी जिंदगी के लिए, किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी चीज है हमारे लिए, जो हवा पानी और भोजन उसमें से एक तत्व आप करने जा रहे हैं, जो स्वस्थ रखने के लिए हमारी जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक कविता के रूप में है ये, उसके बाद पहेलियां हैं कुछ बहुत ही रोचक ढंग से बताई गई पहेलियां, जिसमें संख्या सर्वनाम आदि के बारे में पता करेंगे। तो करते हैं भाई शुरू बच्चों। थल पर पानी नभ में पानी, थल पर पानी नभ में पानी, पानी तेरी अजब कहानी, पानी तेरी अजब कहानी, पानी से भोजन पचता है, पानी से भोजन पकता है, पानी से भोजन पकता है, पानी से ही करें सिंचाई, पानी से ही करें सिंचाई, पानी तन की करे सफाई, पानी तन की करे सफाई, पानी है जीवों का जीवन, रोज बताती बूढ़ी नानी, रोज बताती बूढ़ी नानी, थल पर पानी नभ में पानी, थल पर पानी नभ में पानी, पानी तेरी अजब कहानी, पानी तेरी अजब कहानी। तो प्यारे चुन्नू मुन्नुओं, इसमें ये बात बताई गई है, जो जल है हमारा प्रकृति का अनमोल उपहार है और अजब अद्वितीय अनोखी अनुपम कहानी है इसकी। ये हमें बूढ़ी नानी इसका महत्व बताती है। हम पानी से भोजन पकाते हैं, पचाते हैं, क्योंकि पकाते समय भी हमें भोजन में पानी चाहिए, और जब शरीर के अंदर जाता है भोजन, खाना अंदर ले जाते हैं, तब भी पचाने के लिए पानी की जरूरत होती है। अपने शरीर की सफाई करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, और वे जीवों का ये जीवन है। पानी के बिना जिंदगी अधूरी है, अधूरी क्या है ही नहीं, तो पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए बूढ़ी नानी भी इसका महत्व हमें समझाती है और इसकी उपयोगिता हमें भी सीखनी चाहिए। आगे देखो प्यारे चुन्नू मुन्नुओं, सब्जी और फलों में पानी, सब्जी और फलों में पानी, कुपों और नलों में पानी, कुपों और नलों में पानी, है पहचान नदी की पानी, है पहचान नदी की पानी, रहती मांग सभी की पानी, रहती मांग सभी की पानी, सच पूछो काले बादल ने, पानी की कीमत पहचानी, पानी की कीमत पहचानी, थल पर पानी नभ में पानी, थल पर पानी नभ में पानी, पानी तेरी अजब कहानी, पानी तेरी अजब कहानी। तो प्यारे चुन्नू मुन्नुओं, इसमें यही बात बता रखी है, भोजन बनाते समय सब्जी में फलों में हमें पानी का ही प्रयोग करते हैं, उनको साफ करते हैं, धोते हैं, पकाते हैं, और कुओं में, कूप का अर्थ क्या होता है, कुआं, और नलों में, टूंटियों में जो हमारे पानी आता है वो उसके स्रोत हैं, एक तरह से पानी के मिलने के साधन हैं, और नदी की पहचान ही पानी है। यदि पानी नहीं होगा तो नदी को कोई नहीं पूछेगा, तो पानी के कारण ही नदी अपना नाम रखती है, और सभी की मांग है पानी। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो पानी नहीं पीता हो, जिसकी जरूरत पानी ना हो। तो कितना महत्वपूर्ण मोल है जो ये हमारे प्रकृति का एक उपहार है हमारे लिए,
जो अमूल्य धरोहर है हमारे लिए, तो हमें इसकी कीमत पहचाननी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे वैसे तो समुद्रों में पानी है बहुत ज़्यादा, अपार मात्रा में है, लेकिन हम पीने योग्य पानी बहुत कम रखते हैं, इसलिए इसकी संभाल करने भी जरूरी है। आगे चलो भाई। पानी को न व्यर्थ गवाए, पानी पी कर प्यास बुझाए, पानी स्वच्छ रहे तो अच्छा, पानी नहीं बहे तो अच्छा, पानी कितना उपयोगी है, सच्चाई दुनिया ने जानी, थल पर पानी नभ में पानी, पानी तेरी अजब कहानी, तो प्यारे बच्चों इसमें ये बात बता रखी है कि पानी अनमोल प्रकृति का हीरा है, अनमोल धरोहर है हमारे लिए, इसको व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। पानी पी करके हम अपनी प्यास बुझाते हैं, पानी साफ सुथरा रहेगा तो हमारी जिंदगी स्वस्थ रहेगी, और अगर गंदा पानी होगा तो हम जो पिएंगे हमारे को रोग लग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे हम, तो इसलिए साफ स्वच्छ होना चाहिए, ये अनमोल धरोहर है जो हमारी। और पानी अगर नहीं बहे तो अच्छा है, यानी कि बेकार में नहीं बहना चाहिए पानी। जैसे भाई बारिश हुआ है तो उसको अपने छत के ऊपर या अंडरग्राउंड करके मैदान में कहीं न कहीं स्टोर कर लें, तालाबों में, खेतों के आसपास, तो उसको बाद में सिंचाई आदि के या पीने आदि के, पशुओं आदि के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पानी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये सारी दुनिया इसकी सच्चाई जानती है। आगे देखो भाई लड्डू, पानी बिना जिंदगी सूने, पानी बिना जिंदगी सूने, पानी देता सुविधा दूने, पानी देता सुविधा दूने, पानी की हर बात विचारे, पानी की हर बात विचारे, मत आँखों का पानी मारे, मत आँखों का पानी मारे, पानी रखना सीखे हमें, होना पड़े न पानी पानी, होना पड़े न पानी पानी, थल पर पानी नभ में पानी, थल पर पानी नभ में पानी, पानी तेरी अजब कहानी, पानी तेरी अजब कहानी। तो प्यारे बच्चों इसमें यही बात बता रखी है, जिंदगी सूनी है पानी के बिना, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बानी गए न उबरे मोतिस मानुष चून। रहीम जी ने एक दोहा भी कहा है कि पानी के बिना तो जिंदगी अधूरी है। पानी तो हमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं देता है, कपड़े धोते हैं, सब्जी बनाते हैं, पाचन क्रिया में सहायक है, बिजली बनती है, इसमें हमारा यातायात के साधन चलते हैं, नावें, किश्तियाँ या फिर समुद्री जहाज चलते हैं। पानी से ही हमें अपने घरों में नहाना धोने का, कपड़े धोने का, सफाई करने का काम करते हैं, पानी ही हम पीते हैं, प्यास बुझाते हैं, तो अनंत उपहार है ये, एक तरह से हमारे लिए अनमोल उपहार है। तो हमें पानी की हर बात विचारनी चाहिए, पानी का सदुपयोग करना चाहिए, और पानी का कभी भी दुरुपयोग ना कहें करें, बेकार में ना बहाएं, और पानी को संभाल कर संजो कर रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसका सदुपयोग सही तरह से कर सकती हैं। आँखों का पानी न मारे, मतलब है आँखों की जो चमक है या आँखों में हमारे जो शर्म है, आँखों में जो हमारे एक इज्जत मान सम्मान है पानी की धरोहर के प्रति, वो हम ना मरने दें। इसका मतलब हम उसके प्रति इज्जत रखें, मान रखें, आदर भाव रखें, पानी को संभाल कर रखने की हमारी इच्छा की शर्म करें हमें, और पानी को अगर हम रखना सीखेंगे तो हमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इसके जो कवि हैं घमंडी लाल अग्रवाल जी, वो हमें सचेत कर रहे हैं
कि भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो किसी भी प्रकार से पानी की कमी महसूस ना करें और हमारे ऊपर दोषारोपण ना हो। आँखों में हमारी इज्जत यूं की यूं बनी रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी को बचा करके ही हम ऐसा कर सकते हैं। बहुत अच्छा बोलिया भाई चुनू मुनुआ, एक बार और दोहराओगे इसको? थल पर पानी नभ में पानी, पानी तेरी अजब कहानी, पानी से भोजन पकता है, पानी से भोजन पचता है, पानी से ही करे सिंचाई, पानी तन की करे सफाई, पानी है जीवों का जीवन, रोज बताती बूढ़ी नानी, सब्जी और फलों में पानी, कूपों और नलों में पानी, है पहचान नदी की पानी, रहती मांग सभी की पानी, सच पूछो काले बादल ने, पानी की कीमत पहचानी, पानी को न व्यर्थ गवाए, पानी पी कर प्यास बुझाए, पानी स्वच्छ रहे तो अच्छा, पानी नहीं बहे तो अच्छा, पानी कितना उपयोगी है, सच्चाई दुनिया ने जानी, पानी बिन जिंदगी सूनी, पानी देता सुविधा दूनी, पानी की हर बात विचारे, मत आँखों का पानी मारे, पानी रखना सीखे हम सब, होना पड़े ना पानी पानी। अरे वाह मेरे खांड की डली बेटा, बहुत बढ़िया भाई, अच्छी तरह से तालियां बजाओ अपने लिए, शाबाशी दो, शाबाशी दो अपने आप को शाबाश। अब इसके अभ्यास के अर्थ और करते हैं, आइए शब्दों के अर्थ जाने। अजब का अर्थ क्या होता है चुन्नू मुनुओ? अनोखा। अरे वाह, उपयोगी मैंने क्या होता है भाई? लाभदायक। लाभदायक है। और कूप का अर्थ बताइए, जीनियस कहलाइए? कुआं। अरे शाबाश। कीमत का मतलब क्या होता है? मूल्य। थल मैंने धरती, नभ मीन्स आकाश, व्यर्थ का अर्थ बताओ और महान बच्चे कहलाओ। बेकार। कविता से है भाई आगे, कविता में किन किन चीजों में पानी का होना बताया गया है? कविता में थल, नभ, भोजन, सब्जी, फल, कुओं, नालों, नदियों, बादलों, आंखों में पानी का होना बताया गया है। बहुत अच्छा, पानी के एक तरह से ये स्रोत बताए गए हैं। सबसे बड़ी कीमत होती है आंखों के पानी की, आगे जाकर के समझोगे जो भावनाओं का पानी होता है हमारा। पानी के क्या क्या उपयोग कविता में बताए गए हैं? पानी से भोजन पकता है, पानी से भोजन पचता है, शाबाश, पानी से सिंचाई होती है, बहुत बढ़िया, पानी तन की सफाई करता है, वेरी गुड, पानी जीवों का जीवन है, शाबाश, बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हो भाई तुम तो भाई। पानी को व्यर्थ क्यों नहीं बहाना चाहिए भाई चुन्नू मुनुओ? क्योंकि धरती पर पीने का पानी बहुत कम है और जीवित रहने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। शाबाश। बूढ़ी नानी पानी के विषय में क्या कहती है अपने शब्दों में लिखो? पानी से भोजन पकता है और पचता है, इससे सिंचाई होती है, यह शरीर की सफाई करता है, यह जीवों का जीवन है, ये बूढ़ी नानी हमें बताती है। बूढ़ी नानी का मतलब ये हो गया, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो पानी का महत्व आपको जरूर समझाएंगे, उनसे सीखा करो, उनके पास बैठा करो और ऐसी अनमोल धरोहर है उनसे पूछा करो,
मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि हम इकट्ठा कर लेते थे तालाबों में पानी और वो उसको पीते भी थे, लेकिन उसमें कोई भी जूते चप्पल पहन के वैसे मतलब गंदगी नहीं डालता था, सभी की जिम्मेदारी होती थी, सार्वजनिक होते थे वो। दक्षिण भारत में तो तालाबों से अब भी सिंचाई की जाती है, स्टोर किया जाता है पानी, और राजस्थान में जहाँ मरुस्थल का एरिया है वहाँ पर लोग पानी को बहुत संजो कर रखते हैं, विभिन्न माध्यमों से साधनों से वो पानी की उपयोगिता समझते हैं, लेकिन जहाँ पर अथाह पानी है वहाँ बेकार बहा दिया जाता है लोगों के द्वारा, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, ये प्रकृति का अनमोल खजाना है। मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, छोटे से लेकर के बड़े तक, कि पानी को संभाल कर रखेंगे तो ये अमूल्य हीरा आगे वाली पीढ़ियों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। और आपकी बात है प्यारे बच्चों, यदि घर में एक दिन पानी न आए तो इसका आपकी दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चर्चा करें। तो अपने बड़ों से भी पूछ सकते हो, आप अपने आचार्य शिक्षकों से भी पूछ सकते हो, माता पिता से। तो प्यारे बच्चों, अगर घर में एक दिन भी पानी ना आए तो हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, पड़ोसियों के वहाँ से लाना पड़ता है, इधर उधर आसपास के स्रोत से, या फिर हमें नहाने की धोने की कंजूसी करनी पड़ती है, कपड़े धोने आदि में, सब्जी बनाने में, बहुत से साधनों में पानी चाहिए, और अगर पानी नहीं होगा तो हमें बहुत समस्या हो सकती है। आपने सुना होगा कि नदियों और तालाबों और पोखरों का जल दूषित होता जा रहा है, इनका जल दूषित होने के क्या क्या कारण है, इस पर कक्षा में चर्चा करें। तो भाई कक्षा में हो चाहे घर पर हो, क्या क्या चर्चा करोगे प्यारे बच्चों, क्यों दूषित हो रहा है नदियों का पानी? शिविरों की दूषित गंदगी वहां जाती है। हाँ, मिट्टी के कटाव से, मिट्टी का कटाव होता है तो दूषित हो जाता है पानी, कारखानों का दूषित पानी वहां जाता है, ये बहुत गलत हो रहा है भाई। आजकल की जो औद्योगिक क्रांति आई हुई है और उसके कारण जो नदियों में या तालाबों में जो गंदा पानी हो रहा है, जो कारखानों के फैक्ट्रियों के मालिक हैं वो बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं। ये है भाई, पता लगाएं कि कौन कौन से उद्योग जल की सहायता से चलते हैं। कागज उद्योग, बिजली उद्योग, चमड़ा उद्योग। कागज उद्योग में, बिजली उद्योग, चमड़ा और भी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं प्यारे बच्चों, जिसमें हमें जल की आवश्यकता होती है। भाषा की बात है, नीचे जल से कुछ शब्द बनाए गए हैं, जैसे जल, जलज, जल से उत्पन्न होने वाला, मतलब कमल, जय का अर्थ होता है उत्पन्न होने वाला, पैदा होने वाला, पीछे जय लगा दिया, जल के, जलज मतलब जल में पैदा होने वाला कमल। इसी प्रकार अंबु, नीर तथा वारी से भी शब्द बनाने हैं, जैसे जलद का अर्थ होता है जल देने वाला, और जलज का अर्थ होता है कमल, यानी कि जल में पैदा होने वाला, जय लगा दिया तो पैदा होने वाला, और दय का मतलब देने वाला। तो इस प्रकार अंबु, नीर और वारी से भी शब्द बनाने हैं, जय लगा करके, दय लगा करके, धर लगा करके और धी लगा करके, ये प्रत्यय हैं। अंबु जमा जय, अंबुज, अंबु जमा दय, अंबुद, अंबुज मैंने पानी से पैदा होने वाला यानी कि वही कमल, और अंबुद का मतलब पानी देने वाला यानी कि बादल। अंबु जमा धर, अंबु जमा धी, समुद्र को बोलते। नीर जमा जय, नीरज, नीर जमा दय, नीरज, और नीर जमा धर, नीरधर, और नीर जमा धी, नीरधी। आगे है वारी जमा जय, वारिज, वारी जमा दय, वारिन, वारी जमा धर, वारिधर, और वारी जमा धी, वारिधी। वेरी गुड। होना पड़े न पानी, पानी पंक्ति में पानी पानी होना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना। इसी तरह से पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठे करें और उनसे उचित संदर्भ में प्रयोग करके वाक्य बनाएं। तो कौन कौन से और मुहावरे हो सकते हैं जिसमें पानी शब्द आता है भाई? आंखों में पानी होना, आंखों में पानी होना यानी कि आंसू निकलना, कोई दुख में रोता है कोई खुशी के आंसू भी निकल आते हैं आंखों में पानी। और आंखों का पानी मरना मतलब होता है भाई, मतलब लज्जित होना, या फिर अपना हद से बाहर होना, या फिर अपने आप को ढीठ बना लेना, आंखों का पानी मरना मतलब शर्म खत्म हो जाना। आगे और क्या हो सकता है भाई, और भी हो सकता है पानी का? हाँ जी। क्या क्या हो सकते हैं बता सकते हैं कोई? तो प्यारे बच्चों, जो पानी है, जैसे अगर जैसे पानी खत्म होना या पानी न रहना या पानी चले जाना, पानी होना तो लज्जित होना हो गया, पानी चले जाना भी इससे मिलता जुलता मुहावरा हो सकता है। आगे है पानी तेरी अजब कहानी,
इस पंक्ति के अंत में एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया हुआ है जिसको हम गांधी डंडा बोल देते हैं लोकल भाषा में। तो यह चिन्ह खुशी है, हैरानी और घृणा आदि जताने के लिए लगाया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए, जैसे खुशी का भाव जताने के लिए वाह क्या बात है, वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। भाई तीन अर्थों में आता है, हैरानी में, खुशी में या कोई घृणा आदि में। तो खुशी का भाव है, जैसे हैरानी जताने के लिए बताना है तुमने अरे तुम आ गए, अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। दुख जताने के लिए विस्मयादि बोधक का प्रयोग कीजिए, ओह ये क्या हुआ, ओह अरे ये क्या हो गया। तो दुख जताने के लिए ओह बड़ी घटना हो गई। घृणा जताने के लिए छी कितना गंदा है, छी यहाँ कितनी गंदगी है। तो ऐसे छी के बाद हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा सकते हैं। तो बच्चों, इसमें भाई एक अनुस्वर का प्रयोग किया गया है, बच्चों और बच्चों। तो पानी रखना सीखो बच्चों, बच्चों ने पानी भर लिया। एक बार तो आया है बच्चों और एक बार आया है बच्चों। तो इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखो, बच्चों शब्द दो बार आया है लेकिन उनमें एक जगह पर अनुस्वार आया है ऊपर बिंदु यानी के, और दूसरे में नहीं है। जब हम किसी को पुकारते या संबोधित करते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। और नीचे लिखे गए वाक्यों में दिए गए मोटे शब्दों को ध्यान से देखें, जिनमें अनुस्वार लगेगा वहां लगाएं। पेड़ों को पानी दे दो, अच्छा वाक्य लग रहा है भाई ये? तो इसमें क्या लगना चाहिए, पेड़ों को पानी दे दो, नाक में बोलना पड़ेगा यानी कि अनुस्वार लगाना पड़ेगा ऊपर। बच्चों मेरी बात सुनो, सही है वह वाक्य, ये वाक्य सही है, बच्चों मेरी बात सुनो। यह बच्चों की पुस्तक है, सही, यह बच्चों की पुस्तक है। ये वाक्य गलत हो गया, सही कैसे है, ये बच्चों की पुस्तक है। बादलों ने सूर्य को भी ढक लिया, बादलों ने वाक्य में जो बादलों शब्द आया है क्या ये सही है, गलत है क्योंकि बादलों शब्द है, बादलों आना चाहिए। बादलों अब तो बरस जाओ, क्यों पुकार रखा है उसको, तो इसका मतलब बादलों ही आएगा, बादलों नहीं आएगा। तो बच्चों आपकी इसमें थोड़ी सी कमजोरी है बेटा, इसको दूर कर लो। जैसे आप पेड़ों ऐसे लगा नहीं रहे थे, बच्चों मेरी बात सुनो ये सही था। तो अपनी कमजोरियां दूर करो, सुधार करो, क्योंकि हम सीखने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो सीखो उसको, शिक्षण करो अपने आचार्य से, बड़ों से, विद्वानों से। सोचें और लिखें, जल बचाओ कल बचाओ, आपने कई बार इस वाक्य को सुना होगा, यह एक नारा है। इसी प्रकार जल से संबंधित दो नारे स्वयं लिखें। तो कैसे, कौन कौन से नारे लिखोगे भाई? जल है तो कल है, बहुत बढ़िया नारा बताया भाई। और भी है कोई? बताइए, और है, जल है तो जीवन है। तो पानी के बारे में, महत्व के बारे में बताया गया इसमें, दोनों नारों में प्रभात फेरी निकालते हैं या संदेश देते हैं समाज में, तो ऐसे नारे हम प्रयोग करते हैं स्कूलों में या किसी सामाजिक स्थल पर। तो बहुत अच्छा जोटा मारिया भाई तुमने बच्चों। अब आगे है पहेलियां। पूछो बच्चों एक पहेली, सबकी है यह सखी सहेली, सभी नाम से इसे बुलाते, अध्यापक जी यह सिखलाते। तो इसका अर्थ वैसे सरलार्थ करके बता दूं प्यारे बच्चों, मैं जो हमें अध्यापक पढ़ाते हैं, एक जैसे पहेली पूछते हैं वो, और उसमें ये पूछते हैं कि भाई नाम है उसका अर्थ है, यानी कि नाम से बुलाते हैं उसको। दुनिया में जितने भी नाम हैं, अगर जैसे आप ये फोन से सुन रहे हो तो ये फोन भी नाम है, ये किताब हम पढ़ रहे हैं ये भी नाम है, पंखा है, कूलर है, घर है, स्कूल है, पेड़ है, दुनिया में जो भी वस्तु है उसका कोई ना कोई नाम है, उस नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। क्या कहते हैं भाई? संज्ञा। तो इस पहले का उत्तर भी क्या आएगा? संज्ञा। क्योंकि अध्यापक जी सिखाते हैं भाई नाम है वो किसी का, और नाम क्या होता है? संज्ञा। अगर आपका नाम आकाश है
तो आप संज्ञा है वो आपकी। पायल अगर आपका नाम है तो आपकी वो संज्ञा है। सर इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा वो होती है जैसे किसी भाव, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान आदि के ही नाम को ही संज्ञा कहवांगे। जैसे पानी को जल कहवांगे, इसी प्रकार नाम को संज्ञा कहवांगे। आगे है प्यारे बच्चों, ये व्याकरण की बातें हैं और ये कमजोरियां हमारी दूर होनी चाहिए, विशेषकर चौथी पांचवी के आसपास बच्चे को इन सभी की परिभाषा, इनके भेद उपभेद सब आने चाहिए। जैसे संज्ञा है, इसके भेद हैं तीन मुख्य हैं, वैसे पांच माने जाते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है। लेकिन समूहवाचक है, जैसे द्रव्यवाचक है, ये भी इसके उपभेद जातिवाचक के माने जा सकते हैं। और चिड़िया एक, चिड़िया अनेक, फूल एक, भंवरें अनेक, एक अनेक का ज्ञान कराऊं, भाषा में मैं क्या कहलाऊं। इसका अर्थ हो गया प्यारे बच्चों, एक का बेरा पटा अपने दुनिया में या अपने सामने या कहीं भी कोई चीज एक है तो उसको के कहवांगे। और एक से ज्यादा चाहे दो हो, तीन हो, हजार हो, करोड़ हो, कितने हो चाहे, एक से ज्यादा को क्या कहवांगे। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के हुए हैं, एक वचन और बहुवचन है, और एक चीज का ज्ञान कराने वाला एक वचन हुआ है, और एक से ज्यादा का पता लगा जिस तक वो बहुवचन हुआ है, तो ये क्या कहलाते हैं, वचन है। क्या कहलाते हैं ये, वचन है। एक अनेक का ज्ञान कराने वाले को क्या कहते हैं, शब्दों को, वचन है। यानी कि इसकी परिभाषा भी आ गई इसमें, इसके भेद भी आ गए, एक वचन बहुवचन है। तो एक पुस्तक, अनेक पुस्तकें, एक पंखा, अनेक पंखे, एक अध्यापक, अनेक अध्यापक गण हो जाएगा। जैसे अध्यापक वृंद भी हो सकता है, मुनि मुनि जन भी हो सकता है, कहीं में जन लगता है, कहीं गण लगता है, कहीं ऊ लगता है, लड़का लड़के ए लगता है। तो इस तरह से बहुवचन के नियम होते हैं। आप हिंदी व्याकरण उठाइए और उसका लाभ लीजिए। तो आगे है प्यारे बच्चों अगली पहेली, सीधा अर्थ न मुझको आता, सीधा अर्थ न मुझको आता, उल्टा काम ही मुझको भाता, उल्टा काम ही मुझको भाता, उलट फेर ही मेरा काम, वी अक्षर से मेरा नाम, वी अक्षर से मेरा नाम। तो इसका अर्थ है प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आपने कभी पढ़ा होगा जैसे गरम, ठंडा, ऊंचा, नीचा, आगे, पीछे, पास, दूर, इस तरह से कौन से शब्द होते हैं जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं, कई लापरवाही कर देते हैं। जैसे आदमी का उल्टा औरत बता देते हैं, मालिक का उल्टा नौकर बता देते हैं, ये नहीं हो सकता। ये तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, उल्टे नहीं होते। ये हमें ऐसे समझना चाहिए, कोई हमारे सामने वस्तु है और वो गुणों के हिसाब से उनको हमें विलोम शब्द बोलते हैं, जैसे गर्म, ठंडा, पास, दूर, इस तरह से, या फिर ऊंचा, नीचा, आगे, पीछे। तो प्यारे बच्चों, जो विलोम शब्द होते हैं वो उल्टा अर्थ देते हैं, और उल्टा का अर्थ हो गया, ये विपरीतार्थी शब्द भी कहलाते हैं, और इनको उल्टे अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं। तो वी से क्या बनेगा, विलोम या फिर विपरीत, क्या बोलते हैं, विलोम या विपरीत, विलोम या विपरीत अर्थ वाले शब्दों को हम उल्टे अर्थ वाले शब्द कहते हैं। काम करो भाई काम करो, देती हूं मैं यह पैगाम, बोलो बोलो मेरा नाम, छिपा काम में मेरा नाम। तो प्यारे बच्चों, काम करो, पढ़ने का काम कर रहे हैं तुम, सुनने का, देखने का काम कर रहे हो तुम, या जैसे कोई किसान खेती का काम कर रहा है, कोई ड्राइवर है, बस चला रहा है, लिखने का, पढ़ने का, जो भी काम हो रहे हैं दुनिया में, उसको हमें उस काम के होने को क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया। तो काम के करने को ही या होने को ही क्रिया बोलते हैं, या तो कोई करता है उसको, या अपने आप हो रहा है। जैसे हवा अपने आप बहती है, पृथ्वी अपने आप घूमती है, तो अपने आप भी हो सकता है, या कोई काम करने वाला करता उसको काम को कर रहा होता है, तो उसको क्रिया कहते हैं। चढ़ना उतरना भी क्रिया है, चढ़ना उतरना भी क्रिया है, ना लग गया जिसके पीछे लगभग क्रिया ही होती है। लेकिन जैसे किसी का नाम सजना है, सजना, तो वो क्रिया नहीं है, वो तो फिर संज्ञा हो गई। तो यह सफेद है वह है काला, यह सफेद है वह है काला,
यह कड़वा है वह रस वाला, यह कड़वा है वह रस वाला, भांति भांति के गुण बतलाता, भांति भांति के गुण बतलाता, भाषा में मैं क्या कहलाता, भाषा में मैं क्या कहलाता। तो प्यारे बच्चों, जो किसी रंग को बताए, आकार को बताए, रूप को बताए, उसका आकार जैसे भीड़ा है, चौड़ा है, ऊंचा नीचा, ये क्या कहलाते हैं? विशेषण। यानी कि जो किसी रंग रूप आकार आदि को बताता है उसको विशेषण कहते हैं। ये संज्ञा की भी विशेषता बता सकता है, सर्वनाम की भी विशेषता बता सकता है। जैसे काली गाय, काला घोड़ा, या फिर ऊंचा मकान, मीठा रसगुल्ला। ध्यान से सुनो बच्चों, तुम्हारे लिए भी रसगुल्ले लाऊंगा मीठे मीठे। विशेषण उसे कहते हैं जो किसी के गुण या जैसे किसी के आकार या रूप, सबको विशेषण कहते हैं। तो गुण बतलाना ही इसका काम होता है। बार बार न लूं एक नाम, यह वह कह कर करता काम, तेरा मेरा मुझको आता, सोचो तो मैं क्या कहलाता। तो इसका अर्थ हो गया भाई, जो संज्ञा की जगह पे आते हैं शब्द, संज्ञा की जगह पे, कैसे? जैसे सीता खाना खाती है, सीता छठी कक्षा में पढ़ती है, सीता हर रोज स्कूल जाती है, बार बार सीता शब्द आया हुआ है। इसकी जगह पर ऐसे बोलेंगे, सीता खाना खाती है, वह छठी कक्षा में पढ़ती है, वह हर रोज स्कूल जाती है। तो वह शब्द आया है सीता के लिए। सीता क्या है? संज्ञा। किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं, यह हम बता चुके हैं। और जो संज्ञा की जगह पर आए उसको सर्वनाम कहते हैं। सर्व मैंने सभी का नाम, जो सभी नामों के स्थान पर आ जाए उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? जैसे वो सारे व्याकरण में पढ़े आप, विशेषण के भेद कितने हैं वो व्याकरण में पढ़े आप, और आपको संज्ञा के, क्रिया के सभी भेद आपको पढ़ने चाहिए। हमारी व्याकरण मजबूत होगी इन पहेलियों का अर्थ केवल नाम बताने से या इनका फल बताने से ना लें। इनको ज्यादा से ज्यादा अर्थ ग्रहण करें, इनके भेद उपभेद पढ़ेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं, क्योंकि चौथी पांचवी के बच्चे को ये बातें आनी चाहिए। और यदि नहीं आती हैं तो आप में कमजोरी है इसका अर्थ है, और वो कमजोरी दूर करनी चाहिए हमें। तो कर लोगे ना अपनी कमजोरी दूर? ठीक है जी। तो भाई प्यारे बच्चों, ये हमने पढ़ा पाठ पानी तेरी अजब कहानी, और साथ के साथ में हमने पहेलियां सीखी। नवोदय क्रांति परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर भी इस तरह की व्याकरणिक या फिर रीजनिंग की, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी की, या फिर आप सामान्य ज्ञान जीके बढ़ाना चाहते हैं, या फिर पहली से लेकर के पांचवी तक का पूरा पाठ्यक्रम हरियाणा जीके, बहुत कुछ कुंदड़ा का कुंदड़ा मिलेगा ठेठ हरियाणवी बोली में आपको। आप आइए, फायदा उठाइए, और ज्यादा से ज्यादा ज्ञानवान बनिए, विद्वान बनिए, और समाज का अच्छा बच्चा बनिए, ताकि बड़े होकर के आप समाज के अच्छे नागरिक बन सकें। नवोदय क्रांति परिवार ने मेरे को मौका दिया पूरे भारत के शिक्षकों से रूबरू होने का, पूरे भारत के बच्चों से मिलने का। इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद, साधुवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई पोस्ट के साथ हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोलो जय हिंद जय।